हेलो एवरीवन, बीपीएससी 68 ऑफिशियल आंसर किया गया। आप में से अधिकांश लोगों ने मिला भी लिया होगा। जहां तक मेरी जानकारी, अधिकांश लोगों का 4-5 नंबर कम है, किसी का ज्यादा भी कम है, लेकिन 4-5 नंबर तक सबके स्कोर कम हुए हैं, क्योंकि आंसर्स के अंदर बहुत वेरिएशन नहीं आया है। 5-6 क्वेश्चंस के आसपास जो इंस्टीट्यूट के द्वारा आंसर आया था और जो बीपीएससी ने दिया है, तो उसमें बहुत अंतर नहीं है। कुछ क्वेश्चंस डिलीट भी हुए हैं। अब सवाल उठता है, और जब आप उनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर भी मैक्सिमम अभी तक जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है उसकी अकॉर्डिंग एवरेज 100 का आ रहा है। तो ये यकीन मानिए कि कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जा रहा है, ये कंफर्म है। और मेरे हिसाब से 90 प्लस में जो भी है, जनरल कैटेगरी में 90 प्लस में जो भी है, उनको जोरदार तरीके से मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब सवाल है कि जिसका 60 और जिसका 70 आ रहा है वो क्या करें? क्या वो 69 के पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दें या मेंस करते रहे? देखो इस बार, और एक और बात, जिनका जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, जिनका हो रहा है वो तो ठीक है, जिनका लगता है हो सकता है, एक दिन भी मत गवाइए और उसी रिदम में लग जाइए जैसे कि 100% आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट हो रहा है। क्योंकि अगर वेट करेंगे तो इस बीच में करोगे क्या? पीटी पढ़ोगे? मतलब नहीं बनता, पढ़ना तो मेंस ही है। तो अगर थोड़ा भी वेट करेंगे तो आपके हाथ से मेंस बालू की रेत की तरफ फिसल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सवाल है कि जिनका एकदम कंफर्म है नहीं हो रहा वो क्या करें? उनको भी ये मान के चलना चाहिए कि वो बीपीएससी 68 मेंस देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी अगर 68 मेंस की तैयारी आपने नहीं की ना, तो अभी आयोग ने क्या किया है, आयोग ने मेंस के सिलेबस को मुश्किल बना दिया है, आसान नहीं बनाया है। अगर आप में से किसी को यह गलतफहमी होगी तो दूर कर लीजिएगा कि ऑप्शनल पेपर क्वेश्चंस उसका लिखने के लिए, अगर ये ऑप्शनल पेपर जिस तरह से था ना उसी को छोड़ के क्वालिफाइंग कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो सवाल लिखते आपको नंबर मिल जाता। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें उसकी उसको तैयार करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। ऊपर से एसए का स्कोर जुड़ रहा है, एसए के टाइप्स 3 तरह के एसए आएंगे, उसको लिखना है और उससे आपके मार्क्स जुड़ेंगे और आपको रैंक वैंक में भी फायदा होने वाला है। और एसए अपने आप में लिखना आसान काम नहीं है, टाइम लेता है वो। आप सोचोगे कि 2 दिन 10 दिन 20 दिन में हम तैयार करके चले जाएंगे, लिख देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एसए एक स्किल है जिसको डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आप 69 भी देने वाले हैं, अगर फेल कर रहे हैं, तो अपने दिल को झूठा दिलासा दीजिए कि आप 68 लिखने वाले हैं। कोशिश कीजिए उसी रिदम में रहने का और फुल फ्लेज में मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आप पीटी की तैयारी करके कुछ कर भी नहीं लोगे। अगर आपको लगता है कि पीटी की तैयारी करते हैं प्रीलिम्स का पेपर काफी मुश्किल हो गया है, मेंस नहीं करते, तो यह आपकी गलतफहमी है। मेंस अगर आप अच्छे से कर लोगे अभी ना, तो आपका पीटी 69 भी सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंस की क्लियरिटी जरूरी है। और मेंस की अगर क्लियरिटी है आपके अंदर, तो आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे, पीटी आपका नहीं रुक रहा है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हम पीटी ही पढ़ते हैं और निकाल लेंगे, तो वहां डाउट है। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो रिजल्ट का इंतजार ना करें, मतलब जिनको भी संभावना थोड़ी सी भी लग रही है कि उनका आ रहा है, तो वो रिजल्ट का एक दिन भी इंतजार नहीं करें, क्योंकि हर दिन आप पीछे की तरफ चले जाएंगे। और मेंस इस बार के स्टूडेंट जो बैठने जा रहे हैं उनके लिए मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि एक बहुत तगड़ा कंपटीशन आपको मिलने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ, जो ऑलरेडी इसी तरह के मोड में एग्जाम देते हैं, इसी तरह का एग्जाम देते हैं। तो उनको इस एग्जाम के प्रेशर के साथ, एग्जाम के स्टैंडर्ड के साथ खेलने की आदत है, आपको नहीं है। क्वालिफाई करना है तो उनके साथ कंपटीशन होगा और ये मुश्किल है, आसान नहीं है। तो मेंस के लिए एक दिन भी समय गवाएं, फुल स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी को आप अंजाम दीजिए। एक तो पहली ये बात, दूसरी बात कि आप अगर मेंस को अच्छे से करना चाहते हैं या आगे के एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तब भी मेंस ही आपको तैयार करना है। तो मेंस के लिए आप अभी से लग जाइए। कट ऑफ 90 प्लस जिसका भी जा रहा है, वो मान लो कि क्वालिफाई कर रहे हो, जिसका कम जा रहा है उनको तो मतलब झूठा दिलासा देके तैयार रहना है, क्योंकि हो मे बी पॉसिबल है कि 2-3 नंबर कम भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट आप 90 के प्लस हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो होपफुली कि आप इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए,
क्योंकि क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड थे वो ये बताता है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाएगा, और अभी मेंस की तैयारी एक दिन भी डिले करते हो आप, इवन 68 के लिए ही नहीं 69 के लिए भी, तो आप पिछड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक चैलेंजिंग मेंस आप देने जा रहे हैं, तो उस चैलेंजिंग मेंस के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और आज से ही एक जोरदार तैयारी शुरू कीजिए। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।